हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारे यूट्यूब चैनल एसआई एजुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है, आप हमारा अंडरटाइटल से समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक है ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो गाइस, आज इन्हीं को हम लोग क्लियर करते हैं। अक्सर जब हम या लोगों से कोई क्वेश्चन करता है तो कहता है कि क्या आपके पास ईमेल है, तो कुछ लोगों का रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि नहीं, मेरे पास जीमेल है, ईमेल नहीं है। तो गाइस, इन्हीं कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करने जा रहे हैं। तो गाइस, ईमेल और जीमेल में अंतर। तो बोर्ड में हमारा गाइस ईमेल में दो टर्म्स हैं। ईमेल एक जो वर्ड है, इस वर्ड में दो टर्म्स हैं। एक टर्म्स हमारा ई है, फर्स्ट टर्म हमारा ई है और सेकंड टर्म मेल है। तो गाइस, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली संबंधी, और मेल यानी मैसेज यानी संदेश यानी पैगाम। तो गाइस, बिजली वाला पैगाम, आप शाब्दिक अर्थ अगर लेंगे इनका तो आप बोल सकते हैं कि बिजली वाला संदेश, हम बिजली वाला संदेश भेज रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो गाइस, ये हमारा ईमेल का फुल फॉर्म। लेकिन गाइस, ईमेल आपका और जीमेल क्या है? जीमेल एक सर्विस, जीमेल का फुल फॉर्म है गूगल मेल। जी फॉर, उसमें भी दो टर्म्स हैं, जी फॉर गूगल और एम फॉर मेल। जी फॉर GMAIL, जीमेल, गूगल और एम फॉर मेल। गाइस, सेम हमारा ये जी फॉर गूगल है और एम फॉर मेल है। तो मेल आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा संदेश है, हमारा पैगाम है, और जी फॉर गूगल ये सर्विस प्रोवाइडर है। गाइस, ये सर्विस प्रोवाइडर है, आपको सर्विस देता है जिसके थ्रू आप ईमेल भेज सकते हैं। तो गाइस, जीमेल आप समझ ही गए होंगे कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है। ईमेल आपका जीमेल भी हो सकता है, वाईमेल भी हो सकता है, हॉटमेल भी हो सकता है, रेडिफ मेल भी हो सकता है। तो गाइस, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर कोई भी किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे गूगल मेल का हो या वाईमेल का हो या हॉटमेल का हो या रेडिफ मेल का हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इस दुनिया में बहुत सारे मतलब सर्विस प्रोवाइडर है। आप उसके थ्रू आप अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, एक एग्जांपल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीमेल हो या वाईमेल हो या हॉटमेल हो या रेडिफ मेल हो, इसमें भी दो टर्म्स हैं, उनको आज हम लोग थोड़ा विस्तार के साथ क्लियर करने जा रहे हैं। तो गाइस, सपोज इसको मिटाते हैं, एक हम अपने ईमेल आईडी लेते हैं, सपोज मेरा अपना ईमेल आईडी लेते हैं hcipkl15@gmail.com। तो गाइस, इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो पहला टर्म से फर्स्ट टर्म, इसे हम नेम, इसे हम फर्स्ट, इस फर्स्ट टर्म को हम यूजर के द्वारा ये एड्रेस या ये नेम दिया जाता है, इसको नेम ही बोलते हैं। दो नेम है, दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म ये यूजर के द्वारा दिया जाता है और ये दूसरा टर्म जो है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। ये दो टर्म्स है।
आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स है, यहां से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। ये यूजर के द्वारा कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जीमेल जो है ये सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। जिस सर्विस प्रोवाइडर में आप अपना ईमेल क्रिएट करते हैं, तो गाइस अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर वाईमेल है तो आपको @ofwaymail यानी yahoomail.com लिखना पड़ेगा। और अगर आपका हॉटमेल है तो यहाँ पे scipkl15@hotmail.com लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर आपका रेडिफ मेल में आपका ईमेल क्रिएट किए हुए हैं तो आपका ईमेल एड्रेस जो है तो फर्स्ट नेम आपका यही है scipkl15@rediffmail.com। तो गाइस ईमेल हम इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों यूज करते हैं? गाइस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम लोग छोटे थे और लगभग 10-15 साल पहले, और ये उतना मतलब हमारी दुनिया या हमारा इंडिया उतना डिजिटलाइज नहीं हुआ था, और लोग पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया करते थे अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। डाकघरों से हमारे घरों में चिट्ठी आती थी, अंतरदेशी कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड आता था। गाइस इस तरह के कार्ड हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा है और लिखा भी है और दूसरे को भेजा भी है। तो गाइस अब दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, पोस्ट ऑफिस का जमाना चला जा चुका है। हालांकि फिर पोस्ट ऑफिस बंद नहीं हुआ है, वो भी मतलब समय के अनुसार वो भी उसमें भी तब्दीली आई है, चेंज हो रहा है और होना भी चाहिए। तो गाइस जिस प्रकार हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है, उसी तरह से हमको भी अपने आप को बदलना होगा और बदलना चाहिए। इसलिए आज के जमाने में हम लोग ईमेल, अपना मेल भेजने के लिए, अपना संदेश भेजने के लिए, मैसेज देने के लिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं। तो गाइस ईमेल को भेजने के लिए सबसे पहले जब कोई मैसेज किसी को भेजा जाता था तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस हुआ करता था, और वो एग्जैक्ट एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार आज भी हम अपने मैसेज को अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए से, अपने ईमेल के जरिए से अगर हम भेजते हैं तो एड्रेस का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइस वही जिस एड्रेस में आप अपना मैसेज भेजना चाहेंगे वही एड्रेस आपका ईमेल एड्रेस कहलाता है। तो गाइस ये ईमेल एड्रेस आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये ईमेल एड्रेस विभिन्न प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है, या आप जिस सर्विस प्रोवाइडर का यूज करते हैं या यूज करके आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं वही आपको सर्विस प्रोवाइडर अपना एड्रेस देता है, और बाकी आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। तो गाइस ये हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। तो गाइस आई होप कि आपको ईमेल और जीमेल के बारे में जो अंतर है बहुत ही क्लियर हो गया होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें गाइस, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।